Hello friends, I am back your channel and today I will tell you about this most security of Facebook. So without बकचोदी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा फेसबुक के बारे में, ठीक है दोस्तों। फेसबुक की एक ऐसी सिक्योरिटी जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वो सिक्योरिटी ये है कि फ्रेंड्स मान लो अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो फेसबुक यूज़ करते हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। मान लो आपके फेसबुक के ईमेल या नंबर जो भी आपने फेसबुक पर दिया है और जो आपके पासवर्ड है वो आपको किसी को पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पता है और उससे पहले ही आपने ये सिक्योरिटी है वो एक्टिवेट कर रखी है, तो क्या होगा जैसे ही वो पासवर्ड लगाएगा, तो जैसे ही फ्रेंड्स मान लो कोई भी पासवर्ड या नंबर जो भी आपने दिए हैं वो मान लो आपका जो भी हैक किया है, ठीक है कैसे भी करके उसको पासवर्ड पता है नंबर भी पता है, जब वो लगाएगा तो फ्रेंड्स जो आपने सिक्योरिटी एक्टिव किया उसका फ़ायदा वहीं होगा। उस पॉइंट पर जाकर वो फ़ायदा ऐसे होगा कि वो पासवर्ड जैसे लगाएगा तो एक कोड आएगा और वो कोड कहाँ पर आएगा, मान लो आपने अपने नंबर से, ठीक है आईडी बनाई अपनी, तो आपके नंबरों पर वो कोड आएंगे, ठीक है वो कोड उसको लगाने पड़ेंगे, ठीक है उसके बाद ही वो आपकी आईडी वो एक्टिवेट होगी। ऐसे पासवर्ड नंबर लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपका फ़ोन गुम हो जाता है उसके बाद कोई गारंटी नहीं है सिक्योरिटी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ोन के अंदर आपका जो भी है वो फ़ोन नंबर होते हैं तो वो कर सकता है फॉरगेट आराम से, और ईमेल वगैरह तो भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इस सेटिंग का ये फ़ायदा होगा, मान लो आपके पास फ़ोन यहाँ पर है और आपकी जो कोई आईडी वो हैक कर ली और ये जो आपकी सेटिंग है ये एक्टिवेट हो चुकी है। एक्टिवेट होने पर क्या होगा फ्रेंड्स, बस बता दिया कोई पासवर्ड लगाएगा नंबर पासवर्ड तो होगा क्या, कोड आएंगे और वो कोड लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी होगा ऐसे वो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको फेसबुक के अंदर आ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फेसबुक के अंदर आ जाने के बाद आपको ये दिख रहा है तीन डॉट मेन्यू वाला ऑप्शन प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पर आ जाइए। प्रोफाइल में आने के बाद मेरे प्यारे लवड़े दोस्तों क्या करना है आपके नीचे सेटिंग ऑप्शन देख रहे हैं, सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बावजूद अपन की फितरत इस प्रकार से कुर्बान होती है यहाँ पर कि देखिए फ्रेंड्स ये अकाउंट सेटिंग, ठीक है अकाउंट सेटिंग में अपन को जाना है। यहाँ जाने के बाद भगवान की दया से अपन खूब सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन को नीचे वाले पर क्लिक करना सिक्योरिटी एंड लॉगिन। यहाँ क्लिक करने के बाद और भी देन अपने लिए आगे मौजूद है, तो सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेकंड नंबर देख सकते हैं यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूज योर फोन एज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू कीप अदर पीपल फ्रॉम लॉगिन, ठीक है फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप इसका मतलब। तो फ्रेंड्स लॉगिन हो चुके, तो देख सकते हैं एड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी विद टू फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी जो फेसबुक अपन को सिक्योरिटी तो अपन खूब लगा लेते हैं, जैसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं गार्ड पिक्चर जो प्रोफाइल है, उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अपन को दे रहे हैं। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कोई भी अदर मान लो आपका पासवर्ड यूज कर रहा है तो वहाँ पर कोड आएगा एनी टाइम वी नोटिस एन यूजुअल अनयूजुअल लॉगिन, तो जो लॉगिन किया है ठीक है उसको वो कोड डालने पड़ेंगे, उसके बाद ये आईडी एक्टिव होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना गेट स्टार्टेड पर, ये आपको एक्टिवेट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको पासवर्ड डालना है, देखिए फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज़ री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद अपन ये आगे करेंगे। तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए मैंने कर दिए जो सिक्योरिटी है, ठीक है वहाँ पर मैंने जो पासवर्ड लगाए, उसके बाद अगला जो अपना खुलता है पन्ना वो ये। अब अपन देख लीजिए अपने पास इतने ऑप्शन है, चूज़ ए सिक्योरिटी मेथड, अपन को दो मेथड दिए हुए हैं, इनके अंदर कौन सी भी अपन एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी लगा सकते हैं। देखिए आप पढ़ सकते हैं एनी टाइम यू लॉग इन फ्रॉम एन अनयूजुअल डिवाइस और लोकेशन वी ऑल आस्क फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, चूज द मेथड दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ठीक है फ्रेंड। मान लो कोई भी कहीं पर भी कभी भी अगर मान लो कोई दूसरा कहीं भी दूसरी जगह पर आपकी आईडी लॉग इन करता है तो आपको मतलब मैसेज कर देंगे इन सिक्योरिटी के जरिए, और वो आपके पास कोड भी आ जाएगा ये सिक्योरिटी करने के बाद, तो आपको पता लग जाएगा, उसके बाद आप सिक्योरिटी कर सकते हैं अपने मतलब पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है पासवर्ड भी चेंज कर लो। टेक्स्ट मैसेज वी विल सेंड ए कोड टू सेटअप, ठीक है फ्रेंड्स ऑथेंटिकेट सेटअप एंड गूगल ऑथेंटिकेट ऊपर वाला कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स लो, ठीक है। तो अपने पास फ्रेंड यहाँ पर कोड आएंगे, ओपन यहाँ पर डालना है, रीसेंड कर देते हैं अपन, तो अपने पास कोड आएंगे फ्रेंड्स मोबाइल में, वो अपन को यहाँ पर डालना पड़ेगा कन्फर्मेशन कोड, और ये कोड आपके मतलब तो सिम है आपके फ़ोन के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों जिगर के छल्लो देख सकते हो यहाँ पर कोड आ चुके हैं, और मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स देखिए ये अपनी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये ऑन हो चुकी है, और अलाउज लॉग इन विदाउट ए कोड फॉर ए वीक, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड से बोल रहा है कि मतलब अलाउ लॉगिन, कोई लॉगिन करता है तो वो कोड नहीं आएंगे, ठीक है, फॉर ए वीक आप इसे ऑन या ऑफ करके कर लेना, कैसे भी अगर चाहते हो एक वीक के लिए, मतलब कुछ भी कोड वगैरह नहीं आए तो ऑन कर सकते हो, बाकी आप ऑफ भी कर सकते हो। तो अपन फिनिश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ये सब कुछ हो चुका है, देखिए अपने अपनी सिक्योरिटी लगा ली है। अब कोई भी जैसे अपनी जो आईडी वो लॉगिन करेगा तो मेरे पास एक कोड आएंगे, वो कोड जब वो डालेगा तभी वो होगा, लेकिन मैं वो कोड क्यों दूंगा, उस पर गांड पे मारूंगा मैं दो जूते, क्योंकि उसने मेरी आईडी हैक की है। तो फ्रेंड्स चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये कभी कभार। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिक्योरिटी बता दी, मेरे पास कोई अदर फोन नहीं है, मैं आपको बताता नहीं कैसे किस प्रकार से कोड आएंगे, तो आप समझ जाना, आप ये जैसे ये एक्टिवेट कर देंगे ये सेटिंग, तो आप समझ जाएंगे अपने आप। फिर आप दूसरे फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर फेसबुक एक बार लॉगिन करके अपने पासवर्ड डालना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप नंबर आप लगाओगे और नीचे पासवर्ड लगाओगे, पासवर्ड लगाते आईडी तो चली जाएगी लेकिन पूरी फुल नीचे लगेगी, एक कोड आएगा, वो कोड डालने के बाद ही आप अगले पेज में फेसबुक वाले के अंदर आओगे, वरना नीचे लगेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसकी सिक्योरिटी है वो बढ़ा सकते हैं फेसबुक की। तो मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, आप फेसबुक तो चला लेते हो लेकिन आपको पता एक घंटा चीज़ नहीं है, हर सेटिंग में जाइए सिक्योरिटी लगाइए और फिर बोलते हो मेरे पैर तुख हैंग हो गई, हैंग हो गई, तो यार हैंग तो हो गई फेसबुक इस तरीके से। चलिए तो मैंने आपको बता दिया, थैंक यू एंड जॉर्ज से बोलो।